गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज टिफिन के लिए हम बिल्कुल नई पनीर और स्वीट कॉर्न की सब्जी बनाएंगे और इसे हम बिल्कुल आसान विधि से बनाएंगे, तो ये टिफिन के लिए बनाना बहुत ही आसान रहेगा। तो सब्जी की ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर टमाटर लिए हैं, काश्मीरी सूखा लाल मिर्च, काजू, दालचीनी, लौंग, इलायची, सूखा धनिया और जीरा लिया है, तो इसे हम कुकर में डाल देंगे। तो सभी चीज़ों को मैंने कुकर में डाल दिया है। अब थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और दो विसल होने तक इसे पका लेंगे। तो यहाँ पर हमारे टमाटर काजू सब बॉईल हो गए हैं, तो इसे हम मिक्सी जार में निकाल लेंगे और उसी के साथ हम थोड़े से मसाले भी ऐड करेंगे और इसे महीन पीस कर एक ग्रेवी बना करके तैयार करेंगे। तो बस ये ग्रेवी हो जाए, फिर हमारी सब्जी सिर्फ 5 मिनट में बन जाएगी। तो यहाँ पर सभी चीज़ें अच्छे से बॉईल हो गई है और हमने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड किया है, तो इसे हमारी सब्जी का कलर अच्छा आएगा, लेकिन ये बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं बनेगी। तो ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आ गया है, तो इसे हम मिक्सी जार में निकाल लेंगे। अब उसी के साथ हम कसूरी मेथी ऐड करेंगे और मसालों में हल्दी, धनिया जीरा पाउडर, किचन किंग मसाला और नमक लिया है, तो वो भी ऐड करेंगे। और किचन किंग मसाला मैं ये यूज़ करती हूँ जो जैन है। अब यहाँ पर मैंने घर की मलाई ली है, तो वो भी ऐड करेंगे। आप चाहे तो फ्रेश क्रीम का यूज़ भी कर सकते हो। अब इसे महीन पीस लेंगे। तो यहाँ पर हमारी सब्जी बनाने के लिए बिल्कुल स्मूथ ग्रेवी रेडी है। अब सब्जी बनाने के लिए हम तेल गर्म करने के लिए रखेंगे। आप चाहे तो साथ में बटर भी ऐड कर सकते हो। तेल गर्म हो जाए तो इसमें बड़ी इलायची डाल देंगे और तेज पत्ता भी ऐड करेंगे। इसे थोड़ा सा भून लेंगे। अब उसी के साथ उबले हुए स्वीट कॉर्न और कैप्सिकम ऐड करेंगे और पनीर भी ऐड करेंगे। और कलर के लिए थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, पनीर के जितना नमक ऐड करेंगे। और पनीर सॉफ्ट हो जाए तब तक हम इसे पका लेंगे। अब हमने जो ग्रेवी बनाई थी वो भी ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। और मिक्सी जार में भी मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था, तो वो भी ऐड करेंगे। अब ग्रेवी आपको कितनी गाढ़ी चाहिए उसी के हिसाब से पानी ऐड कर सकते हो। और ग्रेवी को अलग से भुनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसे 2 सीटी में पका लिया था। अब सब्जी में अच्छा सा उबाल आ जाए तब तक हम इसे पका लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ग्रेवी में अच्छा सा उबाल आ गया है, तो यहाँ पर हम गैस बंद कर देंगे और सबसे आखिर में थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पर हमारी झटपट बनने वाली सब्जी रेडी है। तो शूटिंग के साथ इस सब्जी को बनाने में मुझे 7 से 8 मिनट लगे हैं, तो आप सोच सकते हो कि ये सब्जी बनाना कितना आसान है। और अगर आपने इस तरह से सब्जी बना ली तो ये रेस्टोरेंट से भी अच्छी बनेगी। अब हम खाने का स्वाद बढ़ाने वाली एक चटनी बनाएंगे, जिसे हम ठेचा स्टाइल में बनाएंगे और कोई भी खाने के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगती है और आप इसे बनाकर 7 से 8 दिन तक स्टोर भी कर सकते हो। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गर्म करने के लिए रख दिया है। और ठेचा स्टाइल चटनी बनाने के लिए मैंने इस तरह की मिर्च ली है जो ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती। आप अपनी पसंद की कोई भी मिर्च ले सकते हो। और इसे मैंने छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। तेल गर्म हो जाए तो इसमें जीरा डाल देंगे, हींग ऐड करेंगे। सबसे पहले हम मूंगफली के दाने ऐड करेंगे और इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे। मूंगफली के दाने थोड़े से भून जाए तो उसी के साथ हम मिर्ची ऐड करेंगे और तेज आंच पर इसे भून लेंगे। मिर्ची भी थोड़ी सी भून गई है, तो उसी के साथ हम डंठन के साथ हरा धनिया ऐड करेंगे। स्वादानुसार नमक भी ऐड करेंगे और इसे भी थोड़ा सा भून लेंगे। तो यहाँ पर सभी चीज़ें अच्छे से भून गई हैं, तो गैस बंद कर देंगे और इसे बिल्कुल ठंडा होने देंगे। तो सभी चीज़ें रूम टेम्परेचर पर आ गई हैं, तो इसे हम मिक्सी जार में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने सभी चीज़ों को मिक्सी जार में निकाल लिया है। अब उसी के साथ आमचूर पाउडर ऐड करेंगे। आप चाहे तो नींबू का रस भी ऐड कर सकते हो और आप चाहे तो इसे चिली कटर में भी कर सकते हो या फिर कूट सकते हो, लेकिन आज हम इसे दरदरा पीसेंगे। तो यहाँ पर हमारी ठेचा स्टाइल चटनी रेडी है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और साथ में बनाई है फुल्का रोटी,
और बहुत सारे फ्रेंड्स एक ही क्वेश्चन बार बार पूछते हैं कि आपने कढ़ाई कहाँ से ली, मसाला दानी कहाँ से ली, और आप जो चम्मच यूज करते हो वो कहाँ से लिया। तो मैंने आगे बहुत बार बताया है कि सब मैं भुलेश्वर स्टील मार्केट से लेती हूँ, और इसका स्पेशल वीडियो एड्रेस के साथ और फोन नंबर के साथ मैंने शेयर किया हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हो। और रोटी को पैक करने के लिए मैंने यहाँ पर ओडी यूनिरेप पेपर फॉइल लिया है। और बहुत सारे फ्रेंड्स ने पूछा था कि हमारा बटर पेपर अच्छे से कट नहीं होता, लेकिन ओडी का जो प्रोडक्ट रहता है, चाहे वो बेकिंग पेपर हो या यूनिरेप पेपर हो, इसमें इस तरह का एक जिगजिग दिया गया है, तो इसकी वजह से हम आसानी से इसे कट कर सकते हैं। और इसमें पैक किया हुआ खाना लंबे समय तक फ्रेश रहता है, और इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल या मेटल नहीं है, तो हम इसका बिना टेंशन यूज कर सकते हैं, और इसका हम रीयूज भी कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है। और इसकी लिंक मैंने YouTube चैनल पर शेयर की हुई है, आप चाहे तो वहाँ पर देख सकते हो। और ये डीमार्ट में भी मिलता है, और Amazon से भी आप ऑर्डर कर सकते हो। तो ये है रोटी, और ये है कॉर्न पनीर की मज़ेदार सब्जी, और ये है खाने का स्वाद बढ़ाने वाली ठेचा स्टाइल चटनी। तो ये है मेरा आज का टिफ़िन। आज आपने टिफ़िन में क्या बनाया वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मुझे भी आइडिया आएगा।